गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू करियर जोन। चलिए भाई, कौन कौन है कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रेजेंटी दे दीजिए ताकि हम आपके नाम जान पाए। वेलकम टू करियर जोन। आज से आपकी नई पारी स्टार्ट हो रही है, आज से आपकी नई पारी स्टार्ट हो रही है। आप जो जो भी लाइव है कमेंट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में जाइए। हाँ, चैट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। निखिल जांबुलकर, गुड इवनिंग। चैट बॉक्स में जाइएगा, चैट बॉक्स में जाइएगा, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबको भी जुड़ने देते हैं, बाकी सबको भी जुड़ने देते हैं। निशान जांबुलकर, ओके ओके ओके, निशान नाम है आपका। वेदिका वाघाड़ी, चैट बॉक्स में जाइएगा। बाकी जो लोग हैं, जो भी आप देख रहे हैं, चैट बॉक्स में जाइएगा, आपको चैट बॉक्स में जाना है, वहां पर जाके कमेंट कर दीजिए। वेदिका, चलिए और जल्दी से बाकी लोग भी आ जाइए। कर लें शुरुआत। देखो भाई, जो जो जुड़ गए हैं, चैट बॉक्स का एक ऑप्शन है, उस चैट बॉक्स में जाइएगा। और जो भी डाउट्स हैं, युवराज गुड इवनिंग, तो शुरू करें। देखिए, आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई वालों को जो सब्जेक्ट्स करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और नीट में जो सब्जेक्ट आपको करने हैं, ये तो आपको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पर चूँकि आज आपका पहला क्लास है तो थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं और जेई में 25 क्वेश्चंस आते हैं। जेई और नीट दोनों के लिए जो केमिस्ट्री है, स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और आसान भी होता है, आपको बस ध्यान से पढ़ना होता है, उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। आप चूंकि जेई या नीट की एग्जामिनेशन या एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट कराता है, और जब आप ट्वेल्थ में रहेंगे तो ट्वेल्थ में आप इसकी एग्जामिनेशंस देंगे, इसका जो सिलेबस डिसाइड किया एनटीए ने, 11th में आप लोग जो पढ़ते हैं उसका 40% वेटेज होता है,
और 12th में आप जो पढ़ते हैं उसका 60% वेटेज होता है। इस तरह से ये वेटेज सिस्टम बनाया। सिलेबस जो चलता है वो जब आप एनसीईआरटी का पढ़ते हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग, एनसीईआरटी में जो आप पढ़ते हैं वही कंटेन होते हैं, बस हम लोग को इसमें वॉज लेवल पे लेके जाना होता है। तो जो एनसीईआरटी 11th है और एनसीईआरटी जो 12th है, इसमें केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस यही कंटेन रहते हैं, पर हमको इसको वॉज लेवल पे पढ़ना होता है, मतलब काफ़ी डीप पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखिए बाकी सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको एग्ज़ाम का रहता ही है कि भी एग्ज़ाम क्या है, कब देना होता है, क्या होता है, समय समय पर हम लोग बताते ही हैं, समय समय पर ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्म करते ही हैं। और जेई और नीट में आजकल तो ऐसा है कि सारे बच्चे जानते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ हम लोग आज से जो स्टार्ट करेंगे वो केमिस्ट्री, यानी मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आता हूँ, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जब ऑफलाइन चलती है तो हम लोग खुद ही दे देते हैं कैसे क्या करना है। पर चूंकि अब हमारा मेन बेसिक एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब करियर एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये जो नेक्स्ट 2 ईयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 ईयर, और इसमें जिसने प्रॉपर वे में मेहनत कर लिया तो फिर फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती उसको लाइफ के साथ, क्योंकि एक बार नीट या जेईई में सिलेक्शन हो गए तो आपका करियर वैसे ही ब्राइट होता है, अच्छा करियर होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, हम केमिस्ट्री की मिस्ट्री समझेंगे। केमिस्ट्री देखिए बहुत सारे लोगों को तो ईजी लगती है, बहुत सारे लोगों को टफ भी लगती है ना। तो केमिस्ट्री या एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो बहुत ईजी है, और अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपको ये बिल्कुल काली लगेगी बहुत। वैसे भी हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों बड़े बदनाम है, बोलते हैं कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ी और सुबह सपा, पर चिंता मत करिए ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो वॉट एवर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो और भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं अभी सीधा सिलेबस पर स्टार्ट हो जाता हूँ, सीधा सिलेबस पर आ जाता हूँ। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि भाई केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमको यही चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जहाँ एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, मेटल, नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बड़ी सिंपल से इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस, क्या कहते हैं आप लोग, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ मेटल, नॉन मेटल एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, chemicals and chemical reactions, chemicals के बारे में, chemical reactions के बारे में, branch of science where we deals about metal, non-metal elements, properties, chemicals, ठीक है, and their reaction, energy, rate of reaction, is called as केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री होता क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, केमिकल रिएक्शंस हैं, इनकी स्टडी जहां हम करते हैं कि कोई रिएक्शन कितने टाइम में, ड्यूरेशन में कंप्लीट होगी, कौन सी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी स्लो रिएक्शन है, जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी केमिकल प्रोसेस आप लोगों को पता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, रस्ट बनता है, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस ये इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि आप पलक भी नहीं झपक पाते और पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं, मतलब 10^-6 सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। 10^-6 का मतलब समझते हैं आप लोग, 1/1 के बाद बच्चा पार्टी 6 6, यानी कि
0.00001 सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो एक है जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, एक है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो मॉडरेट भी होती है, जो न तो बहुत ज़्यादा फास्ट और न तो बहुत ज़्यादा स्लो। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने यहाँ दूध रखा बर्तन में और खटाई निचोड़ दिया इसमें, है ना, इसमें कोई एसिड डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया, तो ये थोड़ी देर बाद, एकदम इंस्टेंटली भी नहीं फटेगा, कुछ ही सेकेंड बाद, कुछ मतलब मिनटों बाद ये फट जाएगा। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है, पीपीटी प्रोसेस होती है, जिसमें दही के थक्के बनते हैं। प्रीत भगत गुड इवनिंग, प्रीत भगत गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो देखिए, इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है इन सिंपल वे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ मेटल, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन, एटीसी, इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। बात समझ में आई? क्या डेफिनेशन आपको समझ में आई? क्या आपको डेफिनेशन समझ में आई, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, तो मैं आगे का पढ़ूँ। हम लोग केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, पर पहले केमिस्ट्री क्या है उसको जान लीजिए। केमिस्ट्री क्या है उसको जान लीजिए। समझ रहा है। अब देखो, केमिस्ट्री जो है वो किसी एक ने नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपने रिसर्च के बेस पर केमिस्ट्री को बनाया है, पर यहाँ पर अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, तो देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला नाम आता है एंटोनी लेवोसियर। देखिए, इनका नाम सबसे पहले मिलता है, एंटोनी लेवोसियर, क्योंकि एक्चुअली केमिकल्स को इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, एलिमेंट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है इन्होंने समझाए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन जो है लेवोसियर को ही माना जाता है। लेवोसियर एक नोबल मैन केमिस्ट होते हैं, फ्रेंच लेवोसियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एंटोनी लेवोसियर। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एंटोनी लेवोसियर ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, कार्बन के बारे में बताया, नाइट्रोजन और व्हाट, सिलिकॉन, इनने डिस्कवर किए इन एलिमेंट्स को। तो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। और इनके अलावा तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट हुए। इसके अलावा केमिस्ट्री को बनाने के लिए और जिन साइंटिस्ट का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है वो है जॉन डाल्टन। नाम सुना है क्या? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, मेंडलीफ हो गया। इनने तो बहुत अच्छा क्लासिकल अरेंज क्लासिफिकेशंस दिए थे एलिमेंट्स के। मेंडलीफ, मोसले, बोहर, रदरफोर्ड, ये सब साइंटिस्ट है। प्रिस्टले, मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी, तो ये बहुत सारे हैं। रॉबर्ट बॉयल, मैडम क्यूरी, तो ये बहुत सारे हैं। प्रिस्टले, जिनने हाइड्रोजन को दिखाया, इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन के बारे में, किसने बताया? प्रिस्टले ने। तो ये सब कमाइली रूप से क्या कहलाते हैं? ये सब फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। इनका बड़ा सहयोग है भाई केमिस्ट्री को बनाने के लिए, बहुत मेहनत किए, तब जाकर
केमिस्ट्री का एक नया फॉर्म हमारे सामने आया और दुनिया सिमट कर रह गई, दुनिया सिमट कर रह गई। पता है आप लोगों को, पहले केमिकल्स नहीं थे तो बहुत दिक्कत थी, अब केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आप एलॉयज बनाकर लाइटर एलिमेंट्स बना लेते हैं, एयरक्राफ्ट्स बना लेते हैं, पॉलीमर से चेयर बना लेते हैं, है ना, बर्तन बना लेते हैं, गाड़ी बना। आ गई आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लैवोसियर, क्या क्या डिस्कवर किया इन्होंने, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड व्हाट, सिलिकॉन। सिलिकॉन केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला, इन्हें को मिला। इनके अलावा जिनका सहयोग रहा वो है जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, मेंडलीव, मोसले, बोहर, रॉबर्ट बायल, मैडम क्यूरी, प्रिस्टले, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर केमिस्ट्री बनाई है। इनके बगैर केमिस्ट्री अधूरी थी। क्लियर है। अब देखिए डेफिनेशन समझ में आ गई। अब केमिस्ट्री में वेरियस ब्रांचेस होती हैं। देखिए जैसे सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से केमिस्ट्री के ब्रांचेस डिसाइड किए, जिसको कहा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम लोग केमिकल्स पर रिसर्च कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जो केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई, जहाँ पर आपको टोटल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, हाइब्रिड बीज फॉर्मेशन के लिए किन केमिकल्स का यूज़ होने चाहिए, तो इसको आपने कहा एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। टोटल अराउंड 17 ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, अगर आप लोग मेडिसिन सेक्टर में चलते हैं तो मेडिसिन केमिस्ट्री, और इन्हीं को अगर हम लोग लिविंग मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं जिसके हम कहते हैं लाइफ केमिकल्स, इनमें अगर हम यूज़ करते हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एटॉमिक केमिस्ट्री, जहाँ पर एटॉमिक केमिस्ट्री का हम लोग स्टडी करेंगे वो कहलाएगा एटॉमिक केमिस्ट्री। जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न, इन सब रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हम लोग जो करते हैं वो है एटॉमिक केमिस्ट्री। देन आगे बढ़ें, ऐसे बहुत सारे हैं। इसी में एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिनके बारे में एक्चुअली सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री। सेवन्थ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर नाइन्थ है बायोकेमिस्ट्री, टेंथ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो देखिए वेरियस ब्रांचेज है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसा फील्ड वैसे नेम, क्योंकि हर फील्ड में आजकल हर सेक्टर्स में हम लोग केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं के बेस पर इनके क्लासिफिकेशंस कर दिए। अगर आपको फार्मास्यूटिकल देखें तो जहाँ मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोग चलते हैं, जो लिविंग यानी कहें लाइफ सपोर्ट मेडिसिन होती हैं उनके लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ये अपने आप में एक अलग पार्ट होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जहाँ रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा, डीके का स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एटॉमिक केमिस्ट्री, जहाँ एटॉमिक रिलेटेड हम लोग जो हैं स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड व्हाट, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन जैसे सेक्टर में आप वर्क करेंगे उसी के हिसाब से इनके क्लासिफिकेशन हम लोग जो हैं वो करते हैं। बात समझ में आ गया, पर चिंता करने वाली बात नहीं है,
बेसिकली आपको यहाँ पर केमिस्ट्री की जिन ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है उनमें से देखिए, फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोगों के जो सिलेबस में है, आप लोगों के सिलेबस में है फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड जो है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो है ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ जो आप लोग स्टडी करेंगे दैट इज बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये पांच पार्ट है जो आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वेटेज वाइज सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, जेई में, नीट में। तो वेटेज वाइज जो है ऑर्गेनिक थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट पड़ता है, इनऑर्गेनिक सेक्शन ईजी होता है, बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज़्यादा वेटेज वाला केमिस्ट्री का पार्ट, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, फिर देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री एंड देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का जो सिलेबस है ना दोस्त, ये है 5 पार्ट आप लोगों को पढ़ना है। इतने सारे नहीं, नियर अबाउट 17 ब्रांचेज हैं, पर आपको पूरे 17 ब्रांचेज के बारे में स्टडी नहीं करनी है, केवल आपको नीट की एग्जाम देने हैं, जेई की एग्जाम देने हैं। ये 5 जो केमिस्ट्री है इन्हीं को स्टडी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन सिलेबस पर हमारे आता है, स्टार्ट जो हमने किया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है, क्योंकि उसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो वेटेज को देखते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा, ये केमिस्ट्री का थोड़ा टिपिकल पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड और एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, और इसलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ओके, क्लियर है? अभी तक जो डेफिनेशन क्लासिफिकेशंस वगैरह दिए, क्या आप सभी को समझ में आए? अगर समझ में आए हैं तो जवाब जरूर दें, जवाब जरूर दें। डेफिनेशन और क्लासिफिकेशंस आप लोगों को समझ में आया? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा से श्री गणेश होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है पहले ये समझ लें। डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, नाम में ही सब कुछ छुपा है, नाम में ही सब कुछ छुपा है, लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपल वे में आप ऐसा कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील्स अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जहां पर आप कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, इस कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या बच्चा? पार्टी समझ गया गया क्या? बताइए, डेफिनेशन समझ में आई क्या? है क्या है? ब्रांच ऑफ यहाँ केमिस्ट्री कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहां पर आप कार्बन उनके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन उम्मीद है समझ में आ गया आप लोगों को? डेफिनेशन उम्मीद है समझ में आ गया? आया या नहीं आया जल्दी बताया बच्चों, डेफिनेशन समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन दिए, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखे। क्लासिफिकेशन देखें जिसमें बेसिकली आपको 5 पार्ट के बारे में स्टडी करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो बायो बायोमोलिकूल्स, बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिकूल्स स्टडी करते हैं ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो और एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें से हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई, क्या समझ में आया? 10th में भी पढ़े होंगे दोस्त। ओके, अच्छा निखिल आपको समझ में नहीं आया डेफिनेशन? निखिल आपको नहीं समझ में आया? देखो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो हमको पहले ये समझना होगा कि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? तो हमने बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच या केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहां पर हम कार्बन और उनके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी डिस्कशन करेंगे कार्बन और उनके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसीलिए इसको हमने डिफाइन किया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी भी समझ में नहीं आई डिफिनीशन? अभी भी समझ में नहीं आई? अभी भी नहीं समझ में आई? निखिल जल्दी से जवाब दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। निखिल जवाब दें, डेफिनेशन समझ में आई क्या? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहां पर हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जवाब नहीं भेजे अभी तक, आप जल्दी से जवाब कमेंट करके दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो स्टार्ट होती है, बेसिकली जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है, निखिल अभी भी नहीं समझ में आया, वापस से समझाएं, वापस से समझाएं। चलिए वापस से समझा दे रहे हैं, वापस से समझा दे रहे हैं भाई, वापस से समझा दे रहे हैं। अच्छा अभी यस आंसर आ रहा है, समझ आ गया आपको, चलिए ठीक है। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ें या और वापस से एक्सप्लेन कर दें? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स होती है। पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये होती है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स। पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स होती है। अब हाइड्रोकार्बन होता क्या है ये भी 10th लेवल पे हमने पढ़े हैं। डेफिनेशन जो होती है ये होती है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन समझ में आई क्या? डेफिनेशन समझ में आई क्या? जैसे देखिए मीथेन आपने 10th में पढ़ा है, मीथेन का जो फॉर्मूला है ये होता है CH4। ये देखिए किस किस से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसीलिए मीथेन क्या है? हाइड्रोकार्बन। दूसरा है ईथेन C2H6। यहाँ भी देखिए कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। ये हो गया आपका ईथेन, तो ये भी हो गया हाइड्रोकार्बन, ये भी हो गया हाइड्रोकार्बन। मैंने बोला कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स होती है, तो हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन से ही पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन की जो डेफिनेशन है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, देखिए इस बात पर जोर दीजिए, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
बराबर है। जैसे हमने बोले एग्जांपल के लिए मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, इथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। बट अगर मैं बोलूं इथेनॉल, नाम सुना है कि इथेनॉल, इथेनॉल ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने इथेनॉल, अरे शराब, वाइन का मेन कंटेन होता है ना इथेनॉल, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? इज इट हाइड्रोकार्बन? बताइए क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? इज इट हाइड्रोकार्बन? इज इट हाइड्रोकार्बन? इज इट हाइड्रोकार्बन? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं मेरे दोस्त, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक और एलिमेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बराबर है, कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन है ही और ऑक्सीजन है, जबकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। क्या डेफिनेशन पढ़े हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। बट कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, और इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। समझ रहा है? तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है तो क्या है? तो हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन नहीं है मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझा क्या? समझा क्या? आप लोगों को बराबर दिख रहा है क्या? बराबर क्लियर है? बराबर क्लियर है क्या? निखिल जांबुलकर नहीं समझा? देखिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने इसको बताया हूँ कि मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स होती है। तो मैंने हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स डाला तो पहले ये समझाने की कोशिश किया कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, वॉट इज हाइड्रोकार्बन। तो मैंने इसमें
आपको डेफिनेशन बताई कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होते क्या है भैया। हमने बोला कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिसमें, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने टेंथ में पढ़ा है, मैंने पूछा कि मीथेन, क्या मीथेन हाइड्रोकार्बन है, तो बोले हाँ है। क्यों है? बिकॉज इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, बिकॉज इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन है इसीलिए इसको हमने कह दिया कि हाइड्रोकार्बन है। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला, आपसे पूछा क्या इथेन C2H6 हाइड्रोकार्बन है, क्या इथेन हाइड्रोकार्बन है, क्या इथेन हाइड्रोकार्बन है, आया ना? है। क्यों है बताइए, इथेन हाइड्रोकार्बन क्यों है? आंसर भेजिए, आप लोग आंसर भेजिए। बिकॉज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, केवल दो ही एटम कंटेन कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसलिए हमने इसको कहा कि हाइड्रोकार्बन है। मैंने पूछा क्या प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, क्या प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है? यस इट इज हाइड्रोकार्बन। Why? Because containing only carbon and hydrogen atom. That's why. But is methanol is hydrocarbon? Is it hydrocarbon? Is it hydrocarbon? क्या यह hydrocarbon है? No, why? Because of it containing carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen के अलावा इसमें और एक element है oxygen, इसीलिए ये hydrocarbon नहीं है। तो जब ये hydrocarbon नहीं है, not hydrocarbon, तो क्या है? तो हमने बोला ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने बोला कि ये जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन नहीं है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी हाँ, बिल्कुल है। समझा क्या? समझा क्या? क्लियर है। तो ये तो थी डेफिनेशन। यहां पर एक वर्ड यूज किया, वहां पड़े
कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन हमने दी है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट होती है, हमने बोले, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन हमने यहां समझा है, क्लियर है पहले, फिर ये हाइड्रोकार्बन की हमने डेफिनेशन समझा है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, और इसके एग्जांपल्स लिए। यहां पर एक वर्ड बार बार आया, वो है कार्बन, वो है कार्बन। लेवोसियर ने दिए था, कार्बन की जो डिस्कवरी है वो लेवोसियर ने किए थे, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कार्बन के बारे में मैं आपसे कुछ पूछता हूं, इसका सिंबल क्या होता है बताइए। इसके सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंबल क्या होगा, कार्बन का सिंबल बताइए, कार्बन का सिंबल क्या होगा, कार्बन का सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, इसका सिंबल सी होता है ना कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू फोर, वैलेंसी 4, इसकी ज्योमेट्री 4, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। नेचर नॉन मेटल, कैरेक्टर कोवेलेंट, ब्लॉक पी, ग्रुप 14, पीरियड सेकंड पीरियड का होता है ना, कौन से पीरियड का होता है, सेकंड। ब्लॉक पी हो गया, ग्रुप 14 हो गया, पीरियड सेकंड हो गया। बराबर है, कार्बन है। आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स बताइए, कार्बन के आइसोटोप्स कितने होते हैं बताइए। कार्बन के बेसिकली दो आइसोटोप्स होते हैं,
कार्बन के बेसिकली दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 12 जिसका एग्जिस्टेंस ज्यादा है, और दूसरा होता है कार्बन 14 जिसका यूज कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं। कार्बन डेटिंग फॉसिल फ्यूल्स की एज क्या फाइंड करते हैं। तो दो आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14 दो आइसोटोप्स होंगे इसके। एलोट्रोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं वैसे, डेफिनेशन क्या होती है आइसोटोप्स की? व्हेन एन एटम कैन एग्जिस्ट मोर देन, अरे सॉरी सॉरी, आइसोटोप की डेफिनेशन बताते बताते हम आपको एलोट्रोप्स बताने लगे थे। पहले आइसोटोप की डेफिनेशन देख लीजिए, आइसोटोप्स की डेफिनेशन पहले देख लीजिए फिर एलोट्रोप्स की लिखते हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफर इन मास नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बस मास नंबर डिफरेंट होते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही है पर एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14, मतलब एक में एटॉमिक वेट 12 है और एक में 14, इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। दूसरा है एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स समझिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे, समझ लीजिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें, एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो जब कोई एटम एक से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है तो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। व्हेन एन एटम कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। एग्जाम्पल, कार्बन के तीन एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एटम पहला है ग्रेफाइट, ये सब आपने पढ़े हैं। दूसरा है डायमंड, और तीसरा एक होता है बकमिंस्टर फुलरेन। हाँ, वेदिका ने आंसर दी, बकमिंस्टर फुलरेन। एक हो गया ग्रेफाइट, एक हो गया डायमंड, इनमें आप डिफरेंस भी देखे होंगे, पता है आप लोगों को डिफरेंस? याद दिला रहा हूँ, 10th की चीजें, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे, आगे की चीजों को पढ़ेंगे। यहां तक का समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए, एक है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, तीसरा और होता है जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरेन, बकमिंस्टर फुलरेन। तीसरा जो होता है वो है बकमिंस्टर फुलरेन। अच्छा, डायमंड को थोड़ा इधर खिसका के लिख देते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है बकमिंस्टर फुलरेन।
तीन होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेन। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ की आपने टेंथ में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ की आप लोगों ने टेंथ में पढ़ चुके हैं। चलिए तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप सेंड कर दीजिएगा। आपको ग्रेफाइट और डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में लिख कर भेजना है। राइट नोट्स ऑन ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेन, कल समझाएंगे। ठीक है, इसमें आपको होमवर्क है जो लिखकर भेजना है। होमवर्क इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, समझे क्या? क्या करना है इसका होमवर्क बना के भेजना है। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर के फुलरेन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो नोट करके भेजना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो नोट करके भेजना है। ठीक है, चलिए अभी असली केमिस्ट्री चालू होने को है भाई। अभी असली केमिस्ट्री चालू होगी। अभी तक जितना पढ़े, आज जितना हमने पढ़ा, क्या सभी को समझ में आया? आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे सेम समय पर, इसी समय पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। चलिए बाय।